मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। सबसे पहले तो आई एम सेफ। जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, किस तरह से देखते हैं इस तरह की इंसिडेंट? एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूँ कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, किस तरह से देखते हैं इस तरह की इंसिडेंट? एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूँ कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।